जिस समय भगवान श्री राम जी वनवास से वापस आते हैं, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो हमारे पुरखे पड़े हैं, अभी जो हमारे पुरखे पड़े, हमारे पिताजी पड़े हैं, हम इनको गया पहुंचा आते हैं। जैसे भैया लोग गए, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यादव जी ने अपने पुरखों का तारण किया जा करके गया जी में, और गया का यहाँ पर भात बनवाया, तमाम तरह तरह के लोगों को बुलवाया गया और भंडारे के रूप में प्रसाद ग्रहण करवाने की तैयारी में है इस समय। ढेर विचार राम जी को भी आता है बाबूजी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने पिताजी का पिंडदान करके आते हैं गया जी में। बाबूजी गया जी जाते हैं, साथ में लक्ष्मण जी चल दिए और साथ में सीता जी चल दी, यानी माता सीता जी, भगवान श्री राम जी और उनके छोटे अनुज लक्ष्मण चल दिए। जब चल दिए तो वहाँ गया जी जब पहुंचे तो हुआ क्या मास्टर, कहना है। हाथ होता है जिस समय, जब तीनों चल दिए, जब वहाँ गया जी पहुंचे तो सोचने लगे कि क्यों ना हम पिंड दान कर दे, यानी पिंडा करवा दे यहाँ पर। तो सामग्री नहीं थी वहाँ पर, जब सामग्री नहीं थी तो इधर राम जी ने कहा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने बताया, कहें कि ऐसा करिए कि आप चाहिए जो सामग्रियां हैं इसमें की आप लेकर के आइए। इधर भगवान श्री राम जी चल दिए और लक्ष्मण भी चल दिए, यानी चले गए सामग्री लेने। जब चल दिए तो इधर माता सीता अकेली बचती है। गाइए राम दोनों भाई लेने
बाबूजी जब जिस समय परसोत्तम श्री राम जी और उनके छोटे अनुज लक्ष्मण जब चले गए पंडित जी के कहने के अनुसार सामान लेने जो पिंडा में लगता है जब चले आए तो इधर माता सीता अकेली बची तो वहीं से एक आवाज आई। जब आवाज आई यानी उनके यानी दशरथ जी प्रकट हो गए। इधर जब माता सीता अकेली बचती है तो उसी दरम्यान दशरथ जी प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो कहने लगे कि ये बेटी तुम यहाँ पर पिंडदान करने आई हो, हमको तारने आई हो, लेकिन बेटी ये मुहूर्त जो शुभ मुहूर्त है वो तो निकला जा रहा है, तो ऐसा करिए कि विलंब ना करिए। कहन सामग्री नहीं है तो क्या हुआ? कहन ऐसा कर दीजिए कि बालू का ही पिंडदान कर दीजिए, पिंडा परा दीजिए। इतना कह के बाबूजी वो अंतर ध्यान हो गए। तो हुआ क्या मशक कहने बाबूजी कहें कि हम पिंडदा पिंडा तो परवा ले, कहें बालू का पिंडा तैयार कीजिए और कहें पिंडदान कर दीजिए। तो कहें आखिर ये बतिया का मानी के कि हम पिंडदान कह दिया, तो कहें ऐसे कर गवाही में चार जने उस समय मौजूद रहे। कहें कौन कौन मौजूद रहे गवाही में? रमेश सुजी कहें नदी नदी और केतकी का फूल यानी नदी और केतकी का फूल और गाय और ब्राह्मण और ब्राह्मण यानी ब्रह्मा जी। लेकिन देखें बाबूजी गवाही तो चार मौजूद हो गए, कहें यह गवाही दही देखा था नहीं, ये लोग देखा था इनकी माँ सीता जो है बालू का पिंडा पार के पिंडदान कर दिया और दशरथ जी फिर प्रकट हुए। कहना है भैया ये जब चार लोग गवाही में मौजूद रहे तो कहना है भैया
भैया, जब ये दोनों भाई वापस आए सामान लेकर के पिंडा पड़ाने वाला, तो कहें देखें कि माँ सीता बताने लगी कि स्वामी पिंडा तो हमने परा दिया, पिंड दान भी कर दिया, और कहें पिताजी भी प्रकट हुए, कहें हमने उनको तार दिया, कहें तुम झूठ बोल रही हो, कहें तुम झूठ बोल रही हो, कहीं चारों से पूछ, कहें अगर मैं झूठ बोल रही हूँ स्वामी तो ऐसा करिए कि ये चारों गवाहीदार हैं, कहें चारों से पूछ लीजिए, बड़े बड़े विद्वान हैं, कहें बड़े बड़े जौन विद्वान हैं, कहें इनसे पूछ लीजिए, कहें ये गवाहीदार है कि हमने पिंडदान किया है, नेट में देखत रहे, लेकिन आखिरकार में हुआ क्या, मशक कहना गीत पूछा, और जा करके जब भगवान श्री राम पूछे उनसे तो एकदम साफ ही चाटिए, यानी झूठ ही बोल गए, कहे नहीं माई सीता कहे झूठ बोलत है, कहे हमने नहीं देखा कि आपके पिताजी प्रकट हुए थे, कहे ये झूठ बोल रही है, इन्होंने अभी पिंडदान नहीं किया, इधर चारों झूठ बोल गए, हम नहीं देखे, कहना है भैया कि पूछे राम चारों जन से बात बारी है। देखा जब चारों झूठ बोल गए, यानी नदी और फूल गाय और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, जब ब्राह्मण झूठ बोल गए चारों, कहे हम ये झूठ बोला थे, माँ सीता को बड़ा क्रोध आ गया, बगल में कुसा बाबूजी बगलिया में देखे कुसा बैठे, वही एक ईमानदारी से धर्म पर बात किया है, सत्य बोल दिया, जब सत्य बोल दिया कहें माता सीता सच कह रही है, प्रभु झूठ नहीं बोल रही है, तब उनको विश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने श्राप दिया चारों को, यानी इजवन केतकी के फूल होते इजान लग, केतकी के फूल कबहू देवी देवता में चढ़त नहीं है, सिर्फ पहलवान साहब को चढ़त है, अब बाबूजी ये फाल्गुन नदी का ये प्रमाण है कि तवहीन से वो नदी सूखी रहेगी, और अगर खोद लेबा तनिको रचो तब ओमे पानी निकल आएगा, और गाय गाय माता को
कैन कलयुग में गाय का सम्मान नहीं होगा। कैन जो आज पूजा हो रही है वो पूजा नहीं होगी। चौराहे पन्नी से बाबू यानी अब देखा एकदम ओपन नक दिन की जहाज जितना गर्मी पड़ी तू झुका। और लास्ट में वाह पंडित जी के और देखे हाँ बुरा नहीं है। देखा मोर भैया एक बात खराब जिनवाना की आखरी बात बतावा जाता है कि जवन पंडित जी का जवन श्राप मिला रहा न बताओ इनके मोहल्ला में पंडित देखा वो कुसा जब सही बोल दिया तो माता सीता ने आशीर्वाद दे दिया कहन जाइए 12 मास कहन देखा कहन कितना वो अच्छा तुम काम कर व्या कितना बड़ा आदमी हो जा व्या लेकिन लास्ट में भीख ही मांगत दीते कहे कितना उभारा जा रहा रहे यानी दक्षिणा से काम चले कितना उदय दे ही लेकिन झोरी फैलायन रहा लेकिन बाबूजी कुसा को आशीर्वाद मिला कि 12 मास तुम हरे भरे रहोगे कोई भी महीना हो 12 मास बाबूजी इसीलिए कहा गया है परमादरी बड़े लाल यादव आप बड़े भैया सरैया के सरजमी से हैं आप ये सादर 51 रुपए बहुत बहुत नमन है बहुत बहुत प्रणाम है कि दिया श्राप चारो सीता कि दिया श्राप चारो दा